अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेके आई हूँ। स्टार्ट में आपने देख लिया होगा, टाइटल में भी आपने देख लिया होगा कितने मज़े मज़े की मैंने डिशेज़ बनाई हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पोटैटो ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, उनको मैश भी कर लिया, और आपको इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने एक ले लिया है पैन, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और प्याज मैंने स्लाइस किए हुए हैं इनको, और साथ में ज़ीरा जो है उसको मैं सौते करूँगी और इतना फ्राई करूँगी कि बस थोड़ा थोड़े से गोल्डन होने लग जाए। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे पोटैटोज जो मैंने बॉईल किए थे, और इसके साथ ही हम इसमें ड्राई स्पाइसेस भी डाल देंगे। सबसे पहले मैंने ऐड किया है सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, और फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, और इसके अलावा इसमें जाएगा गरम मसाला, फिर धनिया पाउडर, फिर जीरा पाउडर, और साथ में लास्ट में मैं डालूंगी चाट मसाला। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी है। इसमें आप स्पाइस लेवल अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर बच्चे शौक से खाते हैं इस तरह की चीज़ें तो फिर आप कम ही रखें। इसको बस मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी जिसमें ये अच्छे से स्टर फ्राई हो जाए और अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर फ्रोज़न जो मिक्स वेजिटेबल्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं, जिसमें हैं कैरेट्स और ग्रीन बीन्स हैं, कॉर्न वगैरह। और अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है, फ्रेश हैं, तो उनको आप उबलते हुए पानी में 1 से 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लें ताकि ज़रा सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसको इतना स्टर फ्राई किया कि वेजीज जो अच्छे से कुक हो गई हैं और इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर और साथ में चॉप्ड ग्रीन चिलीज, और बस इसको मैं मिक्स कर लूंगी और एक साइड पे रख दूंगी। अब मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, और यहाँ पे बहुत ज़ोर से काम करना पड़ता है क्योंकि इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके बिल्कुल फ्लैट करना है, कहीं से भी इसका फ्लफ रह नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़ोर से करना पड़ता है। और अच्छे से मैंने इसको बिल्कुल शीट में कन्वर्ट कर लिया है, और अब इसके बाद मैंने इसकी जो सारी क्रस्ट है वो रिमूव कर दी है। ये देखें बहुत अच्छा सा स्क्वायर बन गया। और अब इसकी चारों साइड्स पे मैं पानी लगा दूंगी, उससे ये होगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा ब्रेड जो है स्लाइस। और इसके अंदर अब मैंने डाल दिए हैं पोटैटो फिलिंग, और बस मैं इसको रोल कर दूंगी और जो इसके ये देखें साइड्स हैं इसको इस तरह से पिंच कर दूंगी। बहुत ईजीली आपस में ये स्टिक कर जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ब्रेड स्टिकी हो गई है पानी की वजह से। ये देखें पॉकेट्स इस तरह से हम सारी रेडी कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को हीट अप कर लिया और उसके अंदर मैंने डाल दी हैं ये पॉकेट्स। इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट ब्रेड थी और मैंने इसको फ्राई कर लिया। बहुत अच्छी क्रंची सी बनती है, बहुत हल्का फ्लेम नहीं करना, नहीं तो ब्रेड जो है वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर जाएगी, और बहुत तेज़ फ्लेम करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा। ये देखें मीडियम फ्लेम पे जल्दी जल्दी से ये ब्राउन हो गया, अंदर एवरीथिंग ऑलरेडी कुक्ड है, तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। पेपर टॉवल पे मैं इसको निकाल रही हूँ, और बस ये हमारे रेडी हो गए हैं ब्रेड पोटैटो पॉकेट्स। बहुत इजी है और टी टाइम स्नैक के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम लोग चूंकि लेट ही ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हमारा लंच डिनर लेट होता है, तो इस वजह से चाय का टाइम जो है ना अक्सर निकल जाता है, तो मैं मेन मील के साथ ही कुछ स्नैक बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जी अब बटर चिकन की मैरिनेशन। और उसके लिए मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, और साथ में मैंने ये ले लिया है नमक और लाल मिर्च का पाउडर, और इसको मैं मिक्स कर दूंगी और मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी 30 मिनट्स के लिए। ये मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, दो बड़े बड़े जो पिज्जा होते हैं ना लार्ज साइज, उनकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब आ जाते हैं जी बटर चिकन पिज्जा सॉस की तरफ। उसके लिए मैंने लिया है ऑयल, और इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज, और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी कैश्यू नट्स, और इसको मैं स्टर फ्राई कर लूंगी इतना कि ये गोल्डन होने स्टार्ट हो जाए। ये रेसिपी मेरे बटर चिकन की रेसिपी है, सेम जो मैंने आपसे हाइल में आई थिंक शेयर की थी 1 साल पहले, सेम वही रेसिपी है। इसको मैंने पिज्ज़ा में कन्वर्ट किया और आपको बहुत मज़ा आएगा, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर इसको यहाँ रेसिपी जब वापस आते हैं, जिस वक्त ये गोल्डन हो जाते हैं, तो इसके अंदर हमने डालना है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और दोबारा से हम इसको स्टर फ्राई करेंगे इतना सा कि बस जिंजर गार्लिक की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए।
और बस थोड़ा थक थक कर लें ताकि जल्दी से जो क्यूब है ये मेल्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमेटोज, इनको मैंने पील नहीं किया, जस्ट मैंने इनको चॉप कर लिया, और बस इसको मैं पकाऊंगी। साथ ही टोमेटो मिक्स करते ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल दूंगी, जिसमें मैंने डाली है लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ में मैंने इसमें डाला है सॉल्ट। अब इसमें जाएगा गरम मसाला, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल लें, अगर नहीं है तो पेपरिका पाउडर डालें, टोटली ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो दोनों चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। बेसिकली ये बटर चिकन सॉस को जो है कलर देगी बहुत अच्छा। और इसके साथ मैंने इसमें डाल दी है मेथी, ड्राई फेनुग्रीक, और बस अभी हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कुक कर लेंगे, जिसमें ये टोमेटोज अच्छी तरह से सॉफ्ट एंड मुशी हो जाए। और बस ये हमारी सॉस भी हो गई है रेडी ऑलमोस्ट, और ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया टोमेटोज का टेक्सचर। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी विनेगर, और साथ में चीनी जो है ना वो टेस्ट करके आपने डालनी है। मुझे तकरीबन 1 टीस्पून डालनी पड़ी थी, डिपेंड करता है टोमेटोज से कितनी एसिडिटी आई है, कितनी खटास है इसके अंदर सॉस के अंदर, उसके हिसाब से आप चीनी डालें। हो सकता है आपको 1/2 टीस्पून डालनी पड़े या बिल्कुल ही 1/4 डालनी पड़े। लास्ट में सब रेडी हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी ये क्रीम, और साथ में बटर। मेरे पास जो है फ्रेश क्रीम नहीं थी तो मैंने किरी जो है वो डाल दी है, आप फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, प्रेफरेबली वही डालनी चाहिए, लेकिन इससे भी मैंने देखा था टेस्ट पे कोई फर्क नहीं आया था। अब बस इसको मेल्ट कर लेंगे और ये रेडी हो गया है। अब इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर दिया था ताकि ब्लेंडर जो है वो उसमें अच्छे से ये ब्लेंड हो सके, और बस इसको डाल के मैंने पानी कोई नहीं इसमें ऐड किया और इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी। टोमेटो सॉस जो है जब इसको आप कुक कर रहे हैं, सॉरी पिज्ज़ा सॉस को, तो अगर आपको लगे पानी बहुत ज़्यादा है तो आपने पानी भी इसमें से एवेपोरेट करना है, क्योंकि सॉस जो है वो थिक ही पिज्ज़ा के ऊपर अच्छी लगती है, वरना जितनी रनी होगी पिज्ज़ा ख़राब हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा। अब यहाँ पे जी हम बनाने लगे हैं बटर चिकन जो हमने मैरिनेट किया था उसको, उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून बटर ले लिया था, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है ये चिकन, और मैं बहुत तेज़ आग पे इसको स्टर फ्राई करी, नहीं एक्चुअली मैं नहीं तेहामी, आज तेहामी को शौक हो रहा था मेरी हेल्प करने का। और इसको तेज तेज आग पे आपने जल्दी जल्दी करना है, 10-15 मिनट में ये बन भी जाता है, और हल्की आग पे करेंगे तो बहुत ज्यादा पानी छोड़ेगा, जिसकी वजह से फिर चिकन जो है ना वो सक्यूलेंट और जूसी मॉइस्ट सा नहीं होता है। सो तेज आग पे हमने इसको पका लेना है, और जिस वक्त इसका सारा जो लिक्विड है वेपरेट हो जाएगा, देखें बटर सेपरेट हो गया, तो इसका मतलब है ये चिकन रेडी हो गया। इससे ज्यादा नहीं पकाना, नहीं तो रबरी सा ड्राई सा चिकन हो जाएगा फिर। बस अब ये जो बटर चिकन सॉस बनाई हुई थी ये मैंने लगा दी है पिज्ज़ा के ऊपर, बहुत जेनरसली मैं लगा रही हूँ, और ये जो पिज्ज़ा बेस है ये मैंने रेडीमेड ली हुई है फ्रोज़न वाली, और मैंने आपको फ्रेश भी बनानी सिखाई हुई है, यीस्ट वाली भी, विदाउट यीस्ट वाली भी, और अवन में विदाउट अवन सब सिखाई हुई है। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर आप बनाना चाहें तो वहाँ से देख के बना सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूजी डाली है पैन में, क्योंकि इसको मैं स्टोव टॉप पे पहले बनाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको अवन में ऊपर से हीट दे दूंगी ताकि चीज़ जो है ऊपर से भी ब्राउन हो जाए। ये सॉस लगा के मैंने इसे पैन में रख दिया, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोजरेला चीज़। ये तो सब आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है, मैं प्रेफर करती हूँ सबसे पहले नीचे चीज़ डालती हूँ, फिर उसके ऊपर बाकी चीज़ें रखती हूँ, और फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा सा चीज़ डाल देती हूँ। इस तरह क्या है कि हर चीज़ नज़र भी आती है, और लेकिन चीज़ भी काफ़ी होता है पिज्ज़ा में, पिज्ज़ा हो और उसमें चीज़ कम हो फिर ये इससे मज़ा नहीं आता ना। तो ये हमने डाल दिए हैं बटर चिकन के पीसेस, मैंने ज़रा बड़े बड़े बनाए थे क्योंकि मेरा मूड था इस बार ज़रा चंकी किस्म का पिज्ज़ा बनाने का, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। और यहाँ पे मैंने डाले हैं अनियंस, जिनको मैंने क्यूब में कट किया हुआ था, और साथ में मैंने बेल पेपर्स डाल दिए हैं, रेड भी थी मेरे पास, ग्रीन भी थी, तो वो मैंने सारी डाल दी। आप अपनी मर्जी की कोई भी वेजी डाल सकते हैं। बस ये हो गया पिज्ज़ा रेडी, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और चीज़ स्प्रिंकल कर दूंगी, और लास्ट में मैं इसको चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि जितने भी इसके ऊपर हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे ज़रा अच्छे से पैक हो जाएं। और बस अब हम इसको कवर करके रख देंगे, 6 से 7 मिनट हल्की आग पे रख देंगे जिसमें चीज़ मेल्ट हो जाए। आग बहुत हल्की होनी चाहिए, नहीं तो फिर पिज्ज़ा जो है नीचे से बर्न होने का डर है।
और ये देखें, जबरदस्त किस्म का चीज मेल्ट हो गया है। अब हम आते हैं तंदूरी पिज्जा की तरफ। तंदूरी पिज्जा के लिए भी मैंने मैरिनेशन की थी पहले चिकन की, और ये मैंने तंदूरी मसाला बनाया हुआ है होममेड, और इसकी रेसिपी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं, नहीं तो कोई भी रेडीमेड जो शान नेशनल वगैरह के होते हैं तंदूरी मसाला कोई भी यूज कर सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है नमक, क्योंकि मेरे तंदूरी मसाला में मैंने सॉल्ट नहीं डाला होता, ताकि जो भी रेसिपी हो उसके अकॉर्डिंगली हम खुद से डाल सकें। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और इसको बस मैं मिक्स करके मैरिनेट करके रख दूंगी। मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ ही मैरिनेट की थी, लेकिन आपके वजह से मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ताकि आपको मतलब रेसिपी अगर आपने फॉलो करनी हो तो इजी हो जाए आपको फॉलो करना। और ये देखें, अब हम इसको ऑयल में डाल के उसी तरह ही सेम प्रोसेस है, तेज आग पे मैं पका रही हूँ उसको। और उतनी देर में मैंने एक कोयला जो है इसको जलने के लिए रख दिया है, और बस इसको मैंने कोल से स्मोक भी करना है, क्योंकि ये जो तंदूरी चिकन है और उसमें साथ में स्मोक ना हो तो आपको पता है मज़ा नहीं आता। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया लाइव चारकोल के ऊपर मैंने, और बस इसको स्मोक दे लिया अच्छा सा। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं, एक साइड पे रख लेते हैं, और अब दोनों तरह के जो पिज्ज़ास हैं उनकी प्रेप स्टार्ट कर देते हैं। और जो तंदूरी चिकन पिज्ज़ा है उसके लिए मैंने रेडीमेड पिज्ज़ा सॉस ले लिया, क्योंकि मैंने नहीं बनाई हुई थी, तो आप चाहें तो आप बारबेक्यू सॉस भी इस पे लगा सकते हैं, चाहें तो होममेड भी बना के लगा सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ये सारा तंदूरी चिकन, बहुत ही मज़े का स्मोकी सा फ्लेवर बनता है, और ये पिज़्ज़ा बहुत खाने में टेस्टी लगता है। और इसके ऊपर भी मैंने डाल दिया है चीज़, और स्टार्ट में मैं नीचे चीज़ डालना भूल गई, इसलिए मैंने पहले ही ज़्यादा सारा स्टफ़ कर दिया। इसके ऊपर भी मैंने बेल पेपर्स डाल दी हैं, अगर आप सेम फ्लेवर्स बना रहे हैं तो, मुझे उस वक्त ख्याल नहीं रहा कि वैसे मैं रेड बेल पेपर ना डालती, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगते दोनों एक दूसरे से। टेस्ट में तो ज़मीन आसमान का ऑब्वियसली फ़र्क है, एक बटर चिकन है और एक तंदूरी है, लेकिन यह है कि सेम ही वेजीज मैंने डाल दी थी तो वो ज़रा लुक सेम ही हो गई है। तो एनीवेज, आप इसमें से रेड जो है वो स्किप कर दीजिएगा। इसके ऊपर वैसे मैंने जो तंदूरी चिकन बनाया है इसके ऊपर मैंने धनिया और मिर्चें भी डाली हैं, तो जिस वजह से ग्रीन वाला फ्लेवर जो कलर है वो ज्यादा आ गया। ये देखें, ऊपर से जब ब्राउन हो गया तो मैंने इसे निकाल लिया। जो मैंने तवे पे बनाए हैं उसको भी मैं ऊपर से हीट दिलवा दूंगी जरा, ताकि वो भी चीज जरा बबली सा हो जाए और जरा ब्राउन हो जाए ऊपर से। और ये मिस्टर शहजाद जो है वीडियो बना रहे हैं खड़े होके एक्साइटमेंट के मारे। तो ये बटर चिकन भी जो है ये रेडी हो गया, ये देखें बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है जी तंदूरी चिकन, और इनकी अब मैं कटिंग कर रही हूँ, कटिंग करके मैं प्लेट्स में इनको शिफ्ट कर दूंगी। और मैंने 4 टोटल पिज्जास बनाए थे, और थोड़ी सी जो सॉस है ये, वैसे ये देखें कितने छोटे साइज़ के पिज्ज़ा बेस थी, लेकिन अगर आप फुल साइज़ के बनाएंगे तो जो सॉस है वो 2 पिज्जास के लिए इनफ है, लेकिन अगर छोटे छोटे बनाएंगे तो रिमेनिंग जो सॉस है उसको आप फ्रीज़र में जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर सकते हैं अप टू 1 to 2 मंथ्स। और ये देखें जी, टेबल हो गया है सेट, और माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे। और ये बटर चिकन वाला तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सेम मेरी रेसिपी है और इसको मैंने बस पिज्ज़ा में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और तंदूरी चिकन भी जो है वो, इसकी स्पाइस मिक्स भी जो है वो, ये देखें ये वाला बटर चिकन है। तंदूरी चिकन की स्पाइस मिक्स भी घर पे आम इंग्रेडिएंट से बन जाती है, और अगर आपके पास पैकेट वाला मसाला नहीं है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो चीज़ होता है ना, ये जो मज़े से स्ट्रिंग बना रहा होता है, ये बहुत ही मज़े का लगता है, और दिल करता है बस फौरन फौरन खाने बैठ जाएं। आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे पिज्ज़ा पसंद नहीं होता। खैर, ये है जी तंदूरी पिज्ज़ा, और इसके चिकन का कलर ही बता रहा है कि ये तंदूरी चिकन है, और खाने में बहुत ज़्यादा स्मोकी मज़ेदार किस्म का फ्लेवर था। और ये है जी ब्रेड पोटैटो पॉकेट्स, साथ में मैंने सिंपल केचप जो है वो रख ली है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी द वीआईपी हियर। लो दे मिशो, आ जाओ बेटा, आप ही खाओ ना पिज्जा, प्लीज आपने शोर डाला हुआ था, लो इसे डाल दो। शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच यार, मैंने आपको सुबह से जो मेहनत करते हुए देखा है, और इट्स ऑसम। स्मेल इज अखीर। थैंक यू। बटर चिकन पिज्जा है, ठीक है, ये भी डाल दें। ओके, दिस इज टिक्का, तंदूरी है। वाओ, टिक्का तो उसने खाया था ना जब तू गेस्ट आए थे, याद नहीं कौन थे, लेकिन गेस्ट के आने पर बनाया नहीं खाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, टिक्का, ये तंदूरी है। आपको कौन सा दूँ, दोनों? एक
मिशु आओ ना, आप कहे थे आपने पिज्जा खाना टेस्ट करता हूं अभी। मैंने ट्राई, अच्छा बटर चिकन मसाला लो। मामा मिशु ठहरो पहले, आओ पिज्जा। अरे मैं इसको चेयर दूंगी, आप इसको इधर। मजा आ गया। इट्स लाइक यू मिक्स एवरी फूड ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक इट इनटू अ पिज्जा। रेडी नॉश स्टाइल। कैमरा को क्या हुआ, कैमरा कभी डार्क हो रहा है कभी लाइट हो रहा है, क्या चक्कर है? इतना मुझे क्या डिस्क्राइब है नहीं, फॉर श्योर ट्राई करो। अरे तो मम्मा कभी पिज्जा भी करेंगे। सही से बैठो। आई थिंक कि मम्मा को हर एक डे ना वन वीक मुझे आपको यही बनाना चाहिए। अच्छा लगा है। घर के पिज्जों का ये है कि रज रज के ना भर भर के डाले जो है मजा आ जाएगा। इतना मजे का ये है जैसे कोई हद नहीं है। मुझे याद है कि लास्ट टाइम पिज्जा भी किया था दमाम में हमने। इट वाज ऑसम एट दैट टाइम यार। उसके बाद बनाए हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन ऐसे मतलब इस तरह पिज्जा पार्टी नहीं की। एग्जैक्टली आज तो आपने लिटरली हमारी जो है ना दावत है खास कर। हां जी चलो आज ये ट्राई करें। इतना क्रंची, इतना मजेदार। उसके अंदर क्या क्या डाला? ये नहीं मैंने बताया, खा लोगे सरप्राइज है, फिर बताऊंगी। अब बताओ आ गया हो? हम दुकान करते हैं। मिशु आ गया, आप बताएं। देखिए इतने मजे के हैं ये। क्रिस्पी किस्म के हैं और ऐसा क्रंच जो है मैंने लाइफ में नहीं खाया। बहुत मजे के हैं यार, इट्स एक्सीलेंट। और आप चाय ले, मैंने देखा आपको ये जितने नजर आ रहे हैं कि इजी है, ऐसे ये ब्रेड पॉकेट्स हैं बस सिंपल सी, लेकिन यकीन करें मैंने इसके ऊपर इसको मैंने आज इसकी मेकिंग देखी है और मैं हैरान हो गया हूँ कि इसके ऊपर जो मेहनत लगती है ना। पहले तो उस ब्रेड को जो आप फ्लैट करेंगे ना तो उसका 3D व्यू आता है लिटरली, जो है जो गुड़िया ने किया है ना, तो मैं हैरान हो गया हूँ देख देख के। बेचारी इतनी मेहनत करी, लिटरली हाथ रह गया उसको सीधा करते करते। बाकी इसको जितनी मेहनत लगी है उससे कहीं ज्यादा मजे के हैं। दिस इज ऑसम। अब मैं ट्राई करने लगा तंदूरी चिकन। इसे लाइट को क्या हुआ, ब्राइटनेस को ज्यादा करने का? आई थिंक वो बैक से लाइट आ रही है इसकी वजह से ना। इतना मजे का है। तंदूरी ट्राई कर रहे हो? ओ चाचा भी लो ना। इट्स लिटरली पिज्जा बट यू बारबेक्यू इट एंड देन पुट इवन मोर बारबेक्यू चिकन इन इट। इट्स ऑसम। थैंक यू मेजा। ना खाओगे तो मुझे मजा आएगा। बढ़िया, बहुत मजे का यार। आपने ये बटर चिकन ही ट्राई किया ना अभी? अभी नहीं, अभी कर रहा हूं। और मैं कहता हूँ यार ये बंदा एक भी जो है ना ये दो भी गट्टे खा ले फिर भी फील नहीं होगा कि ओवर ईटिंग की है। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आज मेरी नियत फिर क्या है यानी कि जो है। आप अगर ये बटर चिकन पिज्जा खा रहे हैं ना दिल्ली के रहे सालन खाए, आप बोलेंगे लाइफ में जो है बटर चिकन पिज्जा मिलता जाए बस जो है। इतना मजा आएगा। आपने याशी करा दी यार। थैंक यू, इट इज एक्सीलेंट। यकीन करें हमेशा जो है ना आप याशी करा देते हैं, लेकिन कभी कभार ना जब बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा हमेशा ही होता है, लेकिन कई बार बात करने दे मामा को। अच्छा ओके अभी चलते हैं।
लेकिन हर दफ़ा जो है ना जब बहुत ही सिग्नेचर डिशेज आप बनाते हैं ना अपनी, मुझे लिटरली फील होता है जैसे हम भूखे हमें खाना खिलाया जा रहा है भर भर के जो है, भूखों को खाना नहीं मिलता, मज़े मज़े का जो है लाइफ में सोचा वो हालत है मेरी इस वक्त मेरी अपनी तो कम से कम है पर्सनली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट इट्स एक्सीलेंट यार एक्सीलेंट मज़ा आ गया थी जी आज की वीडियो और ये थी पिज्ज़ा पार्टी और आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत स्लो सा पीसफुल सा काम सा हमारा डे था और उसके बाद बैठ के हमने चाय वगैरह पी टीवी देखा और बस डे का एंड हो गया। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मिलूंगी और अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो वो नॉच व्लॉग्स के ऊपर मैं अपलोड कर रही हूं, तो जिनको नहीं पता उस चैनल का वो ज़रूर चेकआउट करें और जिनको पता है थैंक यू सो मच जो देखते हैं। तो उसके ऊपर मेरी कोशिश होती है कि जो भी लाइफ की अपडेट होती है मैं फ़ौरन अपलोड करती जाऊं, क्योंकि कभी क्या होता है कि आम से खाने पकाए होते हैं तो फिर जल्दी जल्दी में पकाने होते हैं, कोई दाल बना ली सब्जी बना ली, क्योंकि वो चीज़ें भी तो ऑब्वियसली घर में बनती हैं, लेकिन फिर उनको मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूं, तो फिर डेली मेरे पास अगर इस चैनल के लिए कुछ ना हो तो एटलीस्ट उस चैनल के लिए होता है मेरे पास कॉन्टेंट। तो उस पर आप हमारी लाइफ अपडेट्स देख सकते हैं और मैंने आजकल मिशारी को पढ़ाना शुरू कर दिया है, तेहामी को पढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे जो एमिरेट्स आई डी हैं वो हमारे बन चुके हैं अब और मैंने उसका एडमिशन कराना है, सो लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह से दुआ है कि आपकी सारी मुश्किलात को अल्लाह ताला हल फरमा दें और बहुत जल्द हल फरमा दें और रमदान का मंथ भी आगे आने वाला है, अल्लाह ताला हमें उस महीने को देखना और उसकी रहमतें समेटना नसीब फरमाएँ, आमीन सुम आमीन। और रमदान प्रेप के बारे में मैं बात करूँगी बहुत जल्द किसी वीडियो में, तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।